हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो हमारे चैनल मॉडिफाइड जोन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया इंजन ऑयल के ऊपर कि कैसे हम अपने होंडा ड्रीम यूका में इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रोसेस है हमारी, ये सेम रहती है सभी बाइकों के लिए। जैसे कि हमारी होंडा की CD 110 आती है, ड्रीम न्यू आती है और CB शाइन आती है, सबके लिए प्रोसेस सेम है। और मैं यूज़ करूँगा अपनी बाइक के अंदर मोटुल का सेमी सिंथेटिक ऑयल 10W30, जो हमारा फुल सिंथेटिक ऑयल होता है वो हम यूज़ करते हैं 200 cc से ऊपर की बाइक के लिए। 200 cc से नीचे बाइक होती है उसके लिए हम सेमी सिंथेटिक या फिर हम मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे अपने ड्रीम यूका का इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो ये वाला इंजन ऑयल है, इसे मैं यूज़ करता हूँ विंटर में मिनरल ऑयल, और ये वाला जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ समर में। तो आज मैं आपको ये वाला बदला डाल के बताऊँगा कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने इंजन ऑयल। तो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल चेंज करने से पहले कम से कम 4 या 5 मिनट के लिए आप अपनी बाइक को स्टार्ट छोड़ दो। उससे होगा क्या, जो भी हमारी ऑयल डर्ट हमारी ऊपर सिलेंडर पर प्रेजेंट होगी वो ऑयल से लुब्रिकेशन होकर वापस हमारी और नीचे जो हमारा ऑयल ऑयल सम्प होता है वो हमारी इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम नीचे से ड्रेन प्लग खोल के अपना पुराना ऑयल निकाल लेंगे। इसको मैं स्टार्ट कर लिया, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर लॉक कर। तो फ्रेंड्स, इसे 5 मिनट हो गए, मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम अपना ये वाला प्लग ओपन कर लेंगे जहाँ से हम इंजन ऑयल इंसर्ट करते हैं। ये हमारा ओपन होगा प्लग ऑयल से, इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। और अब हम ओपन करेंगे ड्रेन प्लग जहाँ से हम इंजन चेंज करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल कितना ज़्यादा काला हो चुका है। अगर मैं चेंज नहीं करता तो इंजन में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप भी 1500 से 2000 तक अपने बाइक का इंजन ऑयल ज़रूर चेंज करवा लें। इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए हमारा ये वाला स्क्रू होता है, इस वाले स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे इस वाले को, और फिर हम यहाँ से हमारा इंजन ड्रेन हो जाएगा। तो इसे ओपन करने के लिए हमें चाहिए होता है 12 mm का सॉकेट चाहिए, अभी मेरे पास पैनल है ही। तो फ्रेंड्स ये मैंने ओपन कर लिया। देखो फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ऑयल गंदा हो चुका है, जो कार्बन आ चुका है सारे में। तो ये जब तक ये पूरा निकल रहा है तब तक हम नया नहीं डालेंगे, तो हम इसे निकल जा देते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा इंजन ऑयल निकल चुका है। तो अब मैं इसमें वापस से जो हमारे ड्रेन प्लग से क्लीन कर गया, मैं वापस इसे इसमें लगा दूँगा। उसके बाद फिर मैं इसमें इंजन ऑयल डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रेन प्लग था, ये मैंने वापस से अपना इसे मैंने टाइट कर दिया है। और तो अब हम यहाँ से जो हमने नए इंजन ऑयल वो डालेंगे, तो इसके लिए मैंने तो बेसिकली ये बना रखा है इंजन ऑयल डालने का, ताकि इंजन ऑयल बाहर ना गिरे, वेस्ट ना हो। तो इसको मैं इसमें इस तरह लगा देता हूँ और यहाँ से ऊपर से अपना इंजन ऑयल गिर देता हूँ। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, मैं मोटुल का सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ और मैं वही यूज़ करता हूँ अपने दोनों 2 व्हीलर्स में। तो कुछ इस तरह से इंजन उसमें डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमें इंजन ऑयल 900 ml डालना होता है जब इंजन ओवरऑल होता है, जब डालते हैं 1 लीटर। मैंने अपना सारा इंजन ऑयल था मैंने सारा इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं वापस से जो हमारी इसकी कैप होती है इसको हम अच्छे से क्लीन करके फिर वापस से इसमें से लगा देंगे। ये मैंने क्लीन कर लिया, मैं इसको वापस इसमें लगा के और मैं इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लूँगा एक बार। इस पर लेवल चेक करने के लिए हमारे से पॉइंटर होता है। तो ये देखो, ये पूरा है इंजन ऑयल, देखो इंजन ऑयल का लेवल पूरा आ रहा है, इंजन ऑयल हमारा आ रहा है पूरा है। तो इस तरह से हम अभी इसे टाइट कर देंगे इसमें। और वापस प्लान के हमने टाइट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा हम किस तरह से
आपने जो हमारी होंडा की ड्रीम हुआ है उसका इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस होंडा CD110 के लिए, CB ट्विस्टर के लिए, सबके लिए सेम प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।